उधर देखिए, एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सीएम के मंच तक एक युवक जा पहुंचा। सीएम के भाषण के दौरान मंच के पास जाकर चिल्लाने लगा युवक। तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेरे में लेते हुए अपने साथ ले गए। तो बड़ी सुरक्षा चूक का ये मामला पटना से आया है। सीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। मंच तक एक युवक जा पहुंचता है और वहां पर चिल्लाने लगता है। हालांकि जो वहां तैनात सुरक्षा कर्मी थे उसे तुरंत घेरे में लिया और अपने साथ ले गए। लेकिन बड़ी सुरक्षा चूक से कही जा सकती है। किस तरह से एक युवक इतनी कड़ी सुरक्षा में मंच के पास, सीएम के पास तक वो पहुंच जाता है और वहां चिल्लाने लगता है। अब ये युवक कौन है, क्यों उसने ये हरकत की है, ये पूछताछ का विषय है। फिलहाल सुरक्षाकर्मी उसे अपने साथ ले गए हैं, उसे तुरंत पकड़ लिया गया है। लेकिन बड़ी सुरक्षा चूक का ये मामला, सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का ये मामला पटना से सामने आया है। जाहिर तौर पर आज हर राज्य में, आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण होगा, मंच तैयार किया गया है, संबोधन सभी सीएम्स का हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम नीतीश कुमार, लेकिन बड़ी खबर यह कि उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक युवक मंच तक जा पहुंचता है। देखिए, भाषण के दौरान आज उस समय सुरक्षा में भारी चूक सामने आई जब ठीक एक युवक मंच के ठीक सामने आ गया। जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे उस दौरान वह युवक मंच के सामने आ गया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगा। इस युवक का नाम बताया, तुरंत ही सुरक्षा के मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उसे अपने घेरे में ले लिया और उसके बाद उसे कंट्रोल रूम ले गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इस युवक का नाम सतीश कुमार है, जिसके पिता बीएमपी में कार्यरत है, लेकिन उसे अनुकंपा पे नौकरी नहीं मिली, जिसके विरोध में आज वो यहाँ आया था। और फिलहाल जैसे ही वो मंच के सामने आया, जो सुरक्षाकर्मी थे हिरासत में लिया और उसके बाद उसे कंट्रोल रूम में रखा गया है, जहाँ उसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच दे रही है। पटना के जिलाधिकारी ने बताया है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद सामने आएगा कि किस तरीके से सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए युवक इस मंच तक सामने आ गया था। कैमरा सर के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। उस वक्त की जब ये युवक को पकड़ लिया गया, जो वहां सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उन्होंने तुरंत उस युवक को पकड़ा जो कि सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधे मंच तक जा पहुंचा था और अपनी कुछ मांगों को लेकर वहां चिल्ला रहा था। हालांकि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये युवक। आखिर क्यों उसने ये हरकत की है, इस बात को लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से ही। अमिताभ, क्या जानकारी मिली है इस शख्स के बारे में? सतीश कुमार है, इसके पिता बीएमपी में कार्यरत थे और उसके निधन के बाद इसे अनुकंपा पे नौकरी अब तक नहीं मिली थी, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहा था। आज जैसे ही मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे थे उसी दौरान यह लड़के युवक जो काले टी शर्ट में था, अचानक समझ के सामने आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके हाथ में एक तख्ती भी थी और लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की नजर पड़ी और मुख्यमंत्री ने भी अपना भाषण रोककर पूछा अधिकारियों से कौन है, और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेरे में ले लिया और उसके बाद उसे कंट्रोल रूम में ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वो किसी वीआईपी पास से वो एंट्री में आया था और किसी पास से वो आया था। फिलहाल इन सारे मामले की जांच करी, लेकिन ऐसा ये पहली बार हुआ है कि किस सुरक्षा घेरे तोड़ते हुए कोई व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंच जाता है और वहां पर सामने नारेबाजी करता है। बिल्कुल, सीधा सीधा सवाल जो है वो सुरक्षा को लेकर खड़ा ही होगा। पुलिस प्रशासन के जिस तरह से लापरवाही बरती गई है कि इतना कड़ा सुरक्षा पहरा और उसे तोड़ते हुए युवक सीएम के मंच तक जा पहुंचता है। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री भी अचंभित रह गए थे। उन्होंने भाषण रोका और पूछा अधिकारियों से कि कौन है, क्यों चिल्ला रहा है। इसके बाद सुरक्षा कर्मी तुरंत वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद उसे ले जाया गया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिल्लाने की जगह थोड़ी ही है और उसके बाद तुरंत पार्टी अधिकारी पटना के डीएम और एसएसपी युवक की तरफ दौड़े हैं और उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल युवक को पटना के गांधीनगर थाने में रखा गया है, जहां उससे अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा अमिताभ ओझा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल बड़ी सुरक्षा चूक का मामला ये पटना से आया है। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक और फिलहाल जो युवक है वो हिरासत में है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज 24।